इस मंदिर के बनने या न बनने से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है पड़ेगा किसी की सेहत पर असर लेकिन मंदिर का मुद्दा इतना केंद्र में आ जाएगा कुछ दंगे हो ही जाएंगे इलेक्शन से पहले इलेक्शन के दिन व्यक्ति को लगता है कि मैं हिंदू हूं मुझे मुसलमानों से रक्षा करनी है मैं मुसलमान हूं हिंदुओं से रक्षा करनी है इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा सोचेंगे फुद्दू बन गए गधे बन गए हम लोग तो किंतु तो समझदारी का मौका पांच साल बाद मिलेगा तब फिर दंगे हो जाएंगे आप पिछले सात दिन से मेरी पांच साल पहले की क्लिप चला रहे वीडियो आजकल दो 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं एक क्लास लेते हुए कह रहा हूं कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं सब की बातें उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ना कुछ और हुआ था आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पांच जीरो से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए मुझे क्यों परेशान होना चाहिए और कुछ लोग पिछले सात दिन से पाँच साल पहले की क्लिप चला रहे हैं मेरी टीम परेशान है मैं परेशान नहीं हूँ मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया सर इतने वीडियो चल रहे हैं मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो जैसे आज बने बात बोल दी कहीं और बोल दूँगा मैं बात ख़त्म हो गई कितना लोग लेंगे और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देते रहेगी दुनिया के पास बहुत है देने के लिए वो हमेशा देते रहेंगे खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं लेट गो कर देते हैं मैं दावे से कह रहा हूँ सफ़ल कितने होंगे मुझे नहीं पता जिंदगी आपकी शानदार होगी ये मैं गारंटी दे रहा हूँ और जब जब बुरा अनुभव हो जब 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 जीवन में बुरा अनुभव हो सबको होता है आपको भी होगा जब जब बुरा अनुभव हो मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट मेरे दिल में गुथा हुआ है दिल पे छपा हुआ है सबको बोलता हूँ हर क्लास में बोलता हूँ आपको भी बोल रहा हूँ एक लाइन याद रखना क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो होगा उससे बड़ा कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है आपने एक फोटो अपलोड किया कोई लाइक ही नहीं कर रहा आप बार बार देखने को लाइक किया दोस्तों को फोन कर रहे लाइक कर दो तो, तो लाइक कर तो भी लाइक कर चल लाइक करवाए आठ लाइक करवाए नहीं लाइक हो रहा फिर आपने कुछ ऐसा बोला किसी ने उसकी छोटे सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नज़रों में खिरकिली बन गए गालियां पड़ रही हैं आलोचनाएं है हो रही हैं लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर इतनी बेचैनी होती है इस दौर में पहले के दौर में ये नहीं था आपने कहीं कुछ बोल रहा खत्म हो गया अब किसी ने रिकॉर्ड कर ली सोशल मीडिया पर आ गई खत्म ही नहीं हो रहा राइट टू बी फॉर हमारे देश में है नहीं और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा इतनी गालियाँ पढ़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है मैंने आज से सात आठ साल पहले डेढ़ साल तक एंजाइटी की दवाइयाँ खाई हैं जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ मैंने खाई हैं। और जीवन में एका ऐसा दौर सबका आता है आ जाना चाहिए जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है बहुत दिक्कत होगी घबराहट होगी बेचैनी होगी एंगजाइटी होगी डिप्रेशन होगा सब कुछ होगा लेकिन एक बार ध्यान रखना मेरी इस बात को ध्यान रखना वो पहली और आखिरी परीक्षा है उसके बाद कभी नहीं होगा आठ साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई डेढ़ साल दवाई खाई सब डेढ़ साल खाई दवाई कारण पता था कारण ठीक हुआ दवाई छूट गई उसके बाद मैंने जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज पिछले साल झेला था जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली एफ आई आर हुई पता नहीं क्या क्या हुआ सब कुछ हुआ पर मैं आपके सामने बहुत ईमानदार से कह रहा हूं मुझे तनाव नहीं हुआ डिप्रेशन नहीं हुआ एंग्जाइटी नहीं हुई क्योंकि मैं